हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। भर्तियों को लेकर आज की क्या अपडेट है इसके बारे में जानेंगे। लोअर पीसीएस रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि इस भर्ती का रिजल्ट कब जारी होगा। अपडेट मिली है कि जूनियर असिस्टेंट 2019 के बाद लोअर पीसीएस के डाटा फीडिंग का काम शुरू हो जाएगा। लोअर पीसीएस का काम पूरा होने में कम से कम एक महीने का समय लग जाएगा। लोअर पीसीएस के बाद यूडीए एलडी का काम शुरू होगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम से कम 7-8 दिन का समय लगेगा। एनएम भर्ती को लेकर आज अपडेट मिली है कि इस पर काम चल रहा है, लेकिन आयोग का काम धीमा हो गया है क्योंकि आयोग में एक साथ कई भर्तियों पर काम हो रहा है। एनएम के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट 2019 का काम शुरू हो गया है और कुछ दिन बाद जूनियर असिस्टेंट 2016 का भी काम शुरू होने वाला है, इसलिए एनएम कैंडिडेट की फाइल विभाग भेजने का काम धीमा हो गया है, इसलिए इस काम में थोड़ा देरी हो सकती है। तो अभ्यर्थी इस बात को ध्यान सुन ले क्योंकि एक साथ कई भर्तियों पर काम हो रहा है, इसलिए एएनएम कैंडिडेट के फाइल विभाग भेजने का काम धीमा हो गया है, इसलिए इसमें देरी भी हो सकती है। एक जानकारी और निकल के आ रही है कि एएनएम भर्ती को लेकर 3 केस किए गए हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई मैटर नहीं है जिससे भर्ती में दिक्कत हो। जिन अभ्यर्थियों के ज़्यादा नंबर है वो अभ्यर्थी केस किए हैं, लेकिन इस केस की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मार्क्स चेक होने का काम चल रहा है। आप सभी परेशान ना हो, कोई भी सूचना मिलेगी जल्द आपको सूचित किया जाएगा। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मिली है कि कई पदों के अध्याचन भर्ती बोर्ड पहुँच चुके हैं। ASI, कंप्यूटर ऑपरेटर, दरोगा भर्ती, इन सब भर्तियों के अध्याचन पहुँच चुके हैं। दरोगा भर्ती का अध्याचन पिछले साल ही पहुंच चुका था, इसका भर्ती विज्ञापन अगले साल 2023 में जारी किया जाएगा। आगे और भी भर्तियों को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, रेलवे भर्ती परीक्षा में सेनमारी, सोलबर्ग गैंग के 6 गुर्गे गिरफ्तार। कॉलेज कर्मचारी से लेकर परीक्षा करा रहे कंपनी के अधिकारी तक शामिल। 10 लाख तक में, एक मिनट, 10 लाख तक में लेते थे नकल कराने का ठेका। उत्तर माला भेजने वाले को मिलते थे 3 लाख। तो आप देख सकते हैं, इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं। भारत समाचार लखनऊ, रोजगार देने में मुख्यमंत्री योगी की एक और बड़ी पहल, रोजगार के लिए भटकने वालों को सरकार देगी तोहफा। मुख्यमंत्री योगी की सरकार जल्द देने जा रही बड़ा तोहफा, रोजगार के लिए लोगों को दूसरे जिलों में नहीं पड़ेगा भटकना। तो आप देख सकते हैं और कितना रोजगार मिल रहा है, रोजगार की क्या स्थिति है, और जो पुरानी भर्तियां हैं, UP SSSC हो, शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, सभी भर्तियों की क्या कंडीशन है, आप सभी अभ्यर्थी बहुत अच्छे से जान रहे हैं, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे इसको देख लेते हैं। विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें इतने पदों के लिए जारी किया गया है। पदनाम, कार्यकारी सहायक, पद अनारक्षित 512, EWS 127, अन्य पिछड़ा वर्ग 344, अनुसूचित जाति 266, अनुसूचित जनजाति 24, पूरा डिटेल देख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियां 19 अगस्त 2022 से 27 सितंबर 2022 तक। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियां 19 अगस्त से 27 सितंबर तक। चालान डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2022। परीक्षा की संभावित अवधि अक्टूबर 2022 के अंतिम सप्ताह। तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको देख लेते हैं। संशोधित परिणाम में 229 अभ्यर्थी हो गए फेल से पास। इसको देख लीजिएगा, इसको देख लेते हैं। एडेड जूनियर भर्ती परीक्षा के परिणाम संशोधन से
प्राधिकारी कार्यालय पर फिर उठे सवाल। कंप्यूटर से जांची गई कॉपी तो 3140 फेलियर कैसे हुए पास। आंकड़ों पर एक नजर तो इसको देख लेते हैं। वर्गवार परिणाम सहायक अध्यापक, वर्गवार परिणाम प्रधानाध्यापक, विषयवार परिणाम सहायक अध्यापक, विषयवार परिणाम प्रधानाध्यापक। अमान्य विषय सीरीज भरने वालों को किया पास। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का खत्म होगा इंतजार। 229 पास को कर दिया था फेल। इसको देख लीजिएगा, इसको देख लेते हैं। रोजगार देने में यूपी ने 17 राज्यों को पछाड़ा। सरकार की नीतियों पर मोहर, राष्ट्रीय औसत के आधे से कम बेरोजगारी। राशन कार्ड धारकों को परिवार आईडी। इसको देख लीजिएगा। लखनऊ, उत्तर प्रदेश ने रोजगार देने के मामले में 70 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार यूपी में 3.9% बेरोजगारी दर है। तो इतनी बेरोजगारी दर है, इसको पूरा देख सकते हैं आप, पूरा देख लीजिएगा। देखिए, राष्ट्रीय औसत 7.7%। इसको देखिए, प्रदेश को नर्सिंग क्षेत्र का हब बनाने की तैयारी, आलोक। लखनऊ, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि प्रदेश को नर्सिंग क्षेत्र का हब बनाने की तैयारी है। तो इसकी तैयारी है, इसको देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती, विद्यालय आवंटन 15 व 16 को। लखनऊ, बेसिक शिक्षा विभाग 68,500 शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेश पर तैनाती पाने वाले अभ्यर्थियों को 15 व 16 सितंबर को ऑनलाइन विद्यालय आवंटित करेगा। बेसिक शिक्षा के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि राज्य परियोजना कार्यालय के ब्यौरे के आधार पर एनआईसी के जरिए विद्यालय आवंटित किया जाएगा। इसके बाद संबंधित शिक्षकों के वेतन भुगतान व एरियर भुगतान की कार्रवाई होगी। तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, पूरी जानकारी आप वहां पर आपको मिल जाएगी। भर्तियों को लेकर और भी कोई अपडेट मुझे मिलती है तो जल्द आपको सूचित किया जाएगा। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियाँ हों, यूपी पुलिस भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, सभी भर्तियों की अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से दी जाती है। अभ्यर्थी कुछ भर्तियों को लेकर बहुत परेशान हैं। यूपी ट्रिपल एससी की काफ़ी भर्तियां हैं जो अभी पेंडिंग हैं, तो अभ्यर्थी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन भर्तियों की ज्वाइनिंग कराई जाए, लेकिन भर्तियां दिन पे दिन डिले होती जा रही हैं। तो आप सभी अभ्यर्थी परेशान ना हों, यूनिटी बनाए रखें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। जब भी आप सभी अभ्यर्थियों को आयोग आने के लिए कहा जाए तो सभी अभ्यर्थी जरूर आए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।